हेलो अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मेरा नाम अरसल अहमद है. आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ एट फैंडसोल. फैंडसोल इज़ अ डिज़ाइन एजेंसी जिसमें करंटली मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोग काम कर रहे हैं. आई एम अ टॉप रेटेड सेलर ऑन फाइवर डॉट कॉम रनिंग मल्टीपल अकाउंट ऑन फाइवर. मैं स्टार्ट करने से पहले पूरी पैफला टीम को, इब्राहिम सर को, हारून सर को और फाहद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जितनी सपोर्ट उन्होंने की मिली. तो एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां हो जाए पूरी पैफला टीम के लिए. ओके, सो थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूँगा. मैं अराउंड 4 ईयर्स बैक मैं ऐसी क्लास में बैठा होता रैंडमली और मेरे दिमाग में आता है कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है. अच्छा, 4 साल पहले की बात है, मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे अपने पहले 100 रुपये कमाने ताकि ये हो कि अपनी मेहनत से कमाए, किसी से मांग के नहीं कमाया. अच्छा सोचें, 13 साल का बच्चा बैठ के सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है. 13 साल के बच्चे तो आजकल आपको पता है क्या हो रहा होता है. अच्छा, उस वक्त बड़े ट्रेंड निकले थे कि यूट्यूब वगैरह है, फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे लोग बताते थे कि अर्निंग है होती है उसमें. फिर मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब स्टार्ट किया, 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, अच्छे खासे व्यूज़ मिले, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया था, कंसिस्टेंसी उसमें मुझे थी नहीं. अच्छा, फिर मैंने ब्लॉगिंग करी, ब्लॉगिंग पे गया, एफिलिएट मार्केटिंग की. एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने बहुत काम किया लेकिन उसमें मुझे ऐसा कोई रिजल्ट्स नहीं आए क्योंकि एक तो उसमें पेड एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने पैसे थे नहीं, और जो ऑर्गेनिक उसका था उसके लिए तो मैंने बहुत ट्राई की लेकिन उसका कोई रिजल्ट ऐसा मिले नहीं. अच्छा, फिर फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे आना हुआ? फ्रीलांसिंग एक ऐसा आना हुआ कि मैं ऐसी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, जैसे हम लोग ऐसी रैंडमली करते हैं, जैसे आजकल अभी अराउंड सभी कर रहे होंगे. तो उस पर मैं ऐसी स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं एक पोस्ट देखता हूँ, उसमें लोग, एक मेरा फ्रेंड था फेसबुक, उसने पोस्ट डाली हुई थी कोई महीने के कोई 4-4.5 लाख रुपये कमा रहा था ऑनलाइन फाइवर से. अब मैं थोड़ा वो हो गया, मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है. फिर मैं YouTube पे गया, फाइवर सर्च किया, फ्रीलांसिंग सर्च किया, फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है इसमें चीज़. अच्छा, स्टार्टिंग में मैं समझता था कि कोई ऐसी फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत उसकी वो होगी, कोई ऐसी डिमांड नहीं होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझता था आज इतना इसका हाइप क्रिएट हो जाएगा. अच्छा, मैं इस पर वो करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट कर दिया था तो मैं इस पर वो अपने आप को करता हूँ कि मैंने बहुत सही टाइम पर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब जो टाइम आता जा रहा है उसमें सैचुरेशन बहुत बढ़ती जा रही है. अगर आप लोग भी जितना देर करेंगे ना उसके लिए, फिर आप खुद कल जाके बोलेंगे काश मैं आज स्टार्ट कर लेता. तो ये मसला है कि अगर आज से स्टार्ट करेंगे फिर कल कहीं जाके पहुंचेंगे, वरना कल का इंतज़ार करेंगे तो ऐसे में कल तो कभी आता नहीं. सही है. फिर मैं फ्रीलांसिंग में मैंने, अच्छा जहाँ पर भी हूँ मैं 2 लोगों की वजह से हूँ, खाली 2 लोगों की वजह से हूँ. एक तो हिशाम सर्वर का मैंने डीजी स्किल से कोर्स किया था, बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, मैं कहता हूँ कि आप सब जानते हैं. और सही, और इमरान सर से मेरी कराची में पहली मुलाकात यहीं पे हुई थी, जिसमें पैफला का एक मीटअप हुआ था छोटा सा, जिसमें जनवरी में उनका वो होना था लेकिन ड्यू टू कोविड वो कैंसिल हो गया था. मीटअप हुआ था, मेरी 1-on-1 उनसे बात हुई. अच्छा, जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की है ना, मुझे लग ही नहीं रहा था सामने इमरान सर बैठे हुए, मुझे लग रहा था सामने कोई ऐसी रैंडम बंदा बैठा हुआ है जो मुझसे बात कर रहा है. मैं समझा कोई फ्रेंड मेरा लग रहा था ऐसे, मुझे लग नहीं रहा था कि सामने एक बड़ा नाम बैठा है. तो मैं कहता हूँ ही इज़ अ जैम. एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां हो जाए इमरान सर और हिशाम सर भी रखिए, क्योंकि ना मैं और बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो खाली उन दोनों की वजह से आज अपनी एजेंसी, सॉफ्टवेयर हाउस और बड़े बड़े मतलब एजेंसी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं. सो मैं ये बोलूँगा, देखें मैं जितनी मेहनत मैंने इन 4 सालों में की है ना, मेरे और मेरे घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता. मैं 20-20 घंटे 21-21 घंटे खाली उसमें बैठा रहता था कंप्यूटर पे, और बस इवन के मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, जिससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ इन 3 दिनों में, जिसके मैसेजेस मेरे इतने वो हुए और जो क्लाइंट्स मेरे निकले उसमें मुझे बड़े डॉलर्स का नुकसान हुआ था. फिर अच्छा, अब मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को कि देखें, अगर आपको ज़िंदगी में कहीं पहुँचना है ना, ज़िंदगी में कहीं कुछ अचीव करना है ना, मैंने 4 सालों में ये सीखा है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. यहाँ पे मुझे आज बहुत से लोग मिले हैं, उनसे कहते हैं मुझे कि मुझसे मेहनत नहीं होती, मुझे मैंने फाइवर की गिग बना दी, मैं बैठ गया ऑर्डर लेने के, मुझे ऑर्डर नहीं आती. अरे भाई, उस पर पहले आप थोड़ा उसको वो तो करो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करो, पहले सीखो. कह रहे, मैंने उनसे पूछा, एक भाई से मैंने पूछा, अब मैं
कि आपने फ्रीलांसिंग सीखी है, फाइवर सीखा है, मुझे कहते हैं नहीं मैं ऐसे जाके फाइवर की गिग बना दी मैंने। भाई इतना बड़ा एक नाम है फाइवर का, पूरी इंटरनेशनल मार्केट है, कोई लोकल मार्केट नहीं है कि आप जाके बनाएंगे गिग और आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। सही, तो अगर आप सीख के जब तक कहीं नहीं जाएंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, वरना फिर आप जाके यही बोलेंगे कि ये कोई काम नहीं करता, फ्रीलांसिंग ऐसी है, $4,000 लोग ऐसे ही अपना फेंकते रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। और जो सॉफ्टवेयर और जो एजेंसी चली है, लोग पहले सीखते हैं फिर उसके बाद ही कहीं पहुँचते हैं। असल में हमारा इशू ये है कि हम लोगों से ना कंपेरिजन बड़ा स्टार्ट कर देते हैं। एक सामने दस साल का एक्सपीरियंस का बंदा खड़ा हुआ है, हमारे एक हफ्ते का भी एक्सपीरियंस नहीं होता और हम उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो दस साल का एक्सपीरियंस है और हमारा एक हफ्ते का भी एक्सपीरियंस नहीं है। उससे हमारे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि वो इतना आगे क्यों है, उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा। हम ये नहीं देखते वो है एक कामयाब इंसान है तो क्यों है, क्या वजह है कि वो एक कामयाब इंसान है, उसका बैकग्राउंड नहीं सोचते कि वो एक कितनी रात तक स्ट्रगल्स की होगी फिर जाके वो कहीं उसका नाम पहुँचा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कहीं जाने तो मेहनत करें, उसके लिए टाइम लगाएं, हर चीज़ सीखें, स्किल सीखें, फिर फाइवर पे आएं। और बाकी अगर किसी का रिलेटेड फाइवर क्वेश्चन तो अभी तो टाइम का इशू है तो नीचे मुझसे पूछ ले। और बाकी एंड में मैं यही बोलूँगा, देखें एक फ्रीलांसिंग को एक चीज़ याद रखें कि जितना आज आप अर्न करें, लेट से आज अगर आप कोई यहाँ पे है जो आप महीने के 5 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, तो याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप कल भी 5 लाख रुपये अर्न कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप कल भी और आज भी आप अर्न कर रहे हो, क्योंकि कल जाके अगर आप फाइवर से आप कमा रहे हो, अगर कल जाके अगर आपकी गिग नहीं रैंक हो गई, अगर आपका फाइवर का अकाउंट खुदा ना खास्ता बैन हो गया, आज यू नो कि थोड़ा बहुत फाइवर हिला हुआ है वो ऐसी बैन कर देता सुनता उनता है नहीं, आपकी तो अगर गिग नहीं रैंक हो गई कुछ भी हो गया तो आप 5 लाख से बिल्कुल जीरो पे आ जाओगे, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। फ्रीलांसिंग में आपको बैकअप प्लान की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर कल जाके कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप पे फ्लो चलता रहे। आप मल्टीपल फाइवर के अकाउंट बना लो, आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ज़रूर रखें कि कल कोई इशू आ जाए तो आप सर पकड़ के ना बैठें कि मेरे साथ क्या हो गया, आप बैंकरप्ट ना हो जाए इस तरह। सही है, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे ज़रूर काम करें कि आपके पास जितना भी आप कमा रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जितना बढ़ा सकते हैं बेहतरीन चीज़ है कि आने वाले टाइम में कि आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी, ये बात तो है। सही है, एंड में मैं अगेन पूरी पैसा टीम का जो ऑर्गेनाइजिंग फॉर सच एन अमेजिंग इवेंट, और ये इस तरह होना चाहिए हर सिटीज़ में, और कराची में मैं चाहता हूँ कि इस तरह और लोग आएँ जो इस चीज़ को प्रमोट करें फ्रीलांसिंग को। और मैं कहता हूँ आप जितना जल्दी आ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे प्रमोट करने में, जिस तरह भी आप फ्रीलांसिंग में आना चाहें जितना जल्दी आ सकते हैं आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कल जाके जितना कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है फिर कल जाके आप लोग ये बोलेंगे कि टाइम कि काश मैं आज स्टार्ट कर देता ताकि कल कहीं जाके मैं बहुत ज़्यादा। सही, एंड में मैं यही बोलूँगा कि देखें मेहनत करें और दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।